बना रहे हैं बहुत ही अच्छा टेस्टी, ये देखिए मिर्ची है। धनिया की पत्ती भी डाल दें क्या? हाँ, धनिया पत्ता, आंवला, आंवला भी डालते हैं। अच्छा, आंवला भी डालते हैं। आंवला, धनिया पत्ती और मौसम्बी, गाजर, गाजर 80 रुपए, चुकंदर और क्या है, 80 रुपए पाव, पत्ती है। तो चलिए जूस देखते हैं, ठीक है। शुगर वालों के लिए करेला सही रहता है। और अंकल ने ये डाला आंवला भी, बहुत मस्त जूस बनाया अंकल जी ने, ये देखिए। चलिए पीते हैं। पनीर पराठा और आलू पराठा, चलिए खाने स्टार्ट करिए। दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं दिल्ली, और हमारा सेंटर है फरीदाबाद। तो अभी हम थोड़ा नाश्ता वगैरह कर लेंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे कैंप के लिए। तो अभी हम आए हैं चाय पीने के लिए। और दोस्तों देखिए हरियाणा का काऊ कितना, इसका जो सींग है इसका कितना बड़ा बड़ा है ना। दोस्तों अभी हम बस में बैठे हुए हैं, और ये जो बस है इसका जो जो फेयर लगता है वो लेडीज़ का फेयर जो है ये फ्री है, तो लेडीज़ का कोई फेयर नहीं लगता है, जेंट्स का ही लगता है, लेकिन आपको टिकट लेना ही पड़ता है, मतलब फेयर नहीं लगता तब भी। बहुत अच्छा है, आप दिल्ली में सफ़र करिए बिना किराया दिए हुए। हाँ, टिकट तो लेना ही पड़ेगा दिल्ली में, आप सफ़र करिए लेकिन टिकट आपको लेना पड़ेगा, लेकिन कोई पैसा नहीं लगता है। तो दिल्ली में अगर आप बस में सफ़र करते हैं तो आपको किराया कोई नहीं देना होगा। हाँ, आप उसमें महिलाओं ने इनका जेंट्स को भी सही है। तो दोस्तों एग्जाम हो गया और हमने रूम भी ले लिया, तो हमने यहाँ पे स्टे किया हुआ है दिल्ली में, नई दिल्ली में। बहुत ज़्यादा थक गए, बहुत ज़्यादा सर वगैरह बहुत ज़्यादा दुख रहा है। अभी हमने बालों में देखो ऑयलिंग किया है, बहुत सर दुख रहा था। अभी मैं थोड़ा सा मुँह धुल के फ्रेश हो गई, अब चलती हूँ चाय पीने के लिए। और भूख तो हमें बिल्कुल नहीं लगी थी। जानू आपको लगी भूख? जानू को भूख लगा लेकिन मुझे नहीं लगा, बस मुझे बहुत थकान लगी, बस मुझे सोना है, मन करता चलता सो जाऊँ। चलिए चाय पी के आते हैं, जानू को जो भी खाना वो खाना वगैरह खाएंगे, मुझे बहुत नहीं लग रही है। तो दोस्तों आपको दिखा दे रहे हैं कौन से रूम में हम, यही हमने स्टे किया हुआ है, ये है रूम, बेड है इधर, इधर हमारा सामान है, देखिए थोड़ा सा ही सामान है, ज़्यादा मैं सामान लेके नहीं आई थी, बस दो जोड़ी कपड़े और अपना ब्रश, मंजन जो खाने पीने का सामान था वो लाई थी। एसी उधर चल रहा है, इधर फैन लगा हुआ है। दिल्ली में अभी भी गर्मी हो रही है, शिमला में तो ठंडी हो रही पर दिल्ली में गर्मी हो रही है। तो चलिए चलते हैं बाहर कुछ खाने के लिए, पनीर पराठा और आलू पराठा, चलिए खाने स्टार्ट करिए।